हरियाणा में बदमाशों को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव हो रखी है। बीती रात अम्बाला एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए लॉरेंस गैंग के एक शूटर को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है, जिसकी पहचान कैथल जिले के कौल गांव के रहने वाले अमित उर्फ मीता के रूप में हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही अमित ने भानु गैंग के नाम पर कुरुक्षेत्र में IELTS सेंटर के संचालक वैभव शर्मा से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती नहीं मिलने पर गैंगस्टर अमित ने 29 जुलाई को वैभव शर्मा पर फायरिंग भी करवाई और तब से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि बीते दिन एसटीएफ को सूचना मिली थी कि अमित मिर्जापुर भाखड़ा नहर के पास छिपा है, जिसके बाद एसटीएफ उसे दबोचने के लिए पहुंची। इस दौरान वो कहीं छिप गया। एसटीएफ ने सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें से एक गोली पुलिसकर्मी के कान के पास से निकली तो दूसरी गोली एक कांस्टेबल के बुलेट प्रूफ जैकेट में जाकर धंस गई। इसके बाद एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमित पर फायरिंग करनी शुरू की। इस दौरान एक गोली अमित के दाएं पैर के टखने में जा लगी, जिसके बाद टीम ने उसे पकड़ने में जरा भी देरी नहीं की और उसे धर दबोचा। फिलहाल उसे LNGP अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।